मित्रों, हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 201N के अंतर्गत शुल्क पटाने का तरीका क्या है। शुल्क किसके नाम से देय होता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शुल्क यदि जिला आयोग के समक्ष परिवाद ऐसे कहते दर्ज कराई जाती है तो शुल्क जिला आयोग या डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अध्यक्ष के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक के रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट या रेखांकित भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जो उस स्थान पर दे हो जहां पर वह जिला आयोग या डिस्ट्रिक्ट कमीशन स्थित है शुल्क पटाई जाती है। इसी तरह यदि राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत या परिवाद दर्ज कराई जाती है तो राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के पंजक के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक के रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट या रेखांकित भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जो उस स्थान पर दे होता है जहां पर वह राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग स्थित है शुल्क अदा किया जाता है, पटाई जाती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 69 की उपधारा 1 में यह बोला गया है कि शिकायत या परिवाद उस तारीख से जब वाद कारण उत्पन्न हुआ है 2 वर्ष के अवधि के अंतर्गत दर्ज कराई जाती है। इसी धारा में आगे यह भी वर्णन किया गया है कि 2 वर्ष की अवधि को क्षम्य भी किया जा सकता है यदि परिवादी या शिकायतकर्ता जिसने शिकायत या परिवाद दर्ज कराई है उसके पास कोई रीजनेबल या न्यायोचित कारण हो शिकायत न दर्ज कराने का तो उसको 2 वर्ष की अवधि को क्षम्य किया जा सकता है। यह बात धारा 69 की उपधारा 2 में बताई गई है। लेकिन यदि हम 2 वर्ष की अवधि के बाद परिवाद या शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो अपने आवेदन में इस बात का उल्लेख करना होगा कि हम 2 वर्ष की अवधि के अंतर्गत अपना परिवाद या शिकायत को नहीं दर्ज कराए तथा एक शपथ पत्र भी देना होगा जिसमें उस कारण का कि किस कारण से हम परिवाद या शिकायत दर्ज नहीं करा पाए थे उसका वर्णन होगा। आज मैंने आपको यह बताया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत शुल्क पटाने का क्या तरीका होता है व परिवाद या शिकायत दर्ज कराने की परिसीमा लिमिटेशन क्या है। अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार।